संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। चतुर्थी तत्पुरुष समास तक हमने जान लिया है, आज हम पंचम तत्पुरुष समास को जानेंगे, उसके बाद षष्ठ। बहुत ही एक ही सूत्र है, उसमें सूत्र तो उसमें कम से कम 15 से 20 हैं और केवल नकारात्मक सूत्र हैं। देखेंगे, षष्ठी में चलेंगे तब देखेंगे, और शायद 2 वीडियो और बनेंगे उसके बाद। हमारा ये विभक्तियों वाला, जिसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं एक तरह से, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास आगे आएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। फिर बहुत जल्दी ही हम तत्पुरुष समास को खत्म करने का प्रयास करेंगे। पंच में तत्पुरुष, ठीक है, चतुर्थ हमने जान लिया था, मात्र उसमें एक ही सूत्र था, इसमें 4-5 सूत्र लगेंगे और सभी को मैं एक एक करके समझाऊंगा बड़े आराम से। आप एक शब्द की इसमें सिद्धि समझाने का प्रयास करूंगा, वैसे तो आप सिद्धियों से कोई मतलब भी नहीं है, कुछ हैं जो देखते हैं और बाकी तो सब। चलिए, इसमें एक सूत्र मुख्य है, पंचमी भयन, बस यही मुख्य है। लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल इसी सूत्र को ही समझाया गया है, एक सूत्र और है उसको समझाया गया, बाकी कुछ भी नहीं समझाया गया। मैं लघु सिद्धांत नहीं, मैं सिद्धांत कौमुदी से, या मान के चलिए अष्टाध्यायी से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, जिससे कि आपको बार बार समासों में नहीं झांकना पड़े, एक बार आए खत्म कहानी, पूरा संपूर्ण लेके चल रहा हूं। तो पंचमी भयन जो शब्द है वो कहता है कि पंचम्यांत जितने भी शब्द हैं वो जब भय शब्द के साथ, भय से तात्पर्य क्या है, भय शब्द है, ठीक है, उसके साथ जब भी आएंगे तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। भय से तात्पर्य यहां पर्यायवाची नहीं लिया गया या उससे अर्थ नहीं लिया गया, भय शब्द स्वयं होना चाहिए। जैसे चोर भयम, चोर भयम जो शब्द है, ठीक है ना, तो ये भय शब्द इसमें आया है, तो अगर इसका जो विग्रह हुआ वो सीधे इसमें चोर शब्द में पंचमी विभक्ति लगा करके प्रयोग हुआ, चोरात भयम, ठीक। इस तरह से पंचम्यांत शब्द के साथ में भय शब्द यदि आएगा तो उससे पंचमी तत्पुरुष समास होगा, ये इसका तात्पर्य। चलिए, ये इतना तो पांडे जी ने कह दिया, लेकिन इतने से काम नहीं चला, तो हमारे कात्यायन जी हैं, उन्होंने वार्तिक बना दिया इस पर ही। वो कहते हैं भय भीत भीति भी विर इति वक्तव्यम, केवल भय मत बोलिए, वक्तव्य अंदर बोलिए, केवल भय मत बोलिए, उसके साथ में भय भीति, भीत शब्द भी लगेगा, भीति शब्द भी लगेगा, भी, ये इन शब्दों के साथ में भी यदि पंचमी शब्द, पंचम्यांत शब्द ये नहीं है, पंचम्यांत शब्द जब प्रयोग होंगे तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। जैसे भय भीत शब्द लगा लिए, भय भीता ये शब्द लगा लो, तो इसमें भी पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, भयाद भीता, ठीक है, ब्रक भीता, ब्रक भीता, तो ब्रकाद भीता, ऐसे ही ब्रक भीत, ब्रकाद भीति, ब्रक भी, ब्रकाद, मतलब जो भी आप इसमें शब्द लगाएंगे वो शब्द पंचमी विभक्ति में टूट करके वाक्य में बदल जाएगा और समास भी बन जाएगा। एक बात यहां बताता चलूं, मैंने बताई नहीं है, एक हमने अभिभाव समास में विभाषा, ठीक है ना, ये सूत्र पढ़ा था, तो इस सूत्र के बाद में अब तक जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं, चाहे वो तत्पुरुष समास में ही क्यों ना पढ़े गए हों, वो द्वितीय तत्पुरुष समास हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो और पंचम चल रहा है,
इन सभी में जो समास होता है वो वैकल्पिक समास होता है, विकल्प से होता है, पक्ष में वाक्य भी रहता है, ठीक है। ये विभाषा के द्वारा है। आज इसके चक्कर में मुझे याद आ गया बताते हुए, नहीं तो हर बार यही रहता। तो ये विकल्प से समास हो रहे हैं, नित्य समास नहीं है। नित्य समास तो हम पढ़ चुके हैं, विभाषा से पहले जितने भी हम अभिभाष समास में सूत्र पढ़े थे वो सब नित्य समास के अंतर्गत हैं। इसमें चतुर्थी वाले में अर्थ शब्द के साथ में नित्य समास के बारे में चर्चा की है, वो भी नित्य समास में है, बाकी सब विकल्प से है। तो यहां जितने भी आपको समास बताए जाएंगे सब विकल्प से होंगे, और नित्य समास आएंगे तो मैं उनका जिक्र बीच बीच में कर दिया करूंगा, आप ये विकल्प से ही समास मान के चलें, ठीक है। तो इनके साथ में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। लाइट चली गई थी, थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा है। चलिए, तो आपको उम्मीद है ये दोनों सूत्र समझ में आ गएंगे, ये वार्तिक है, ये सूत्र है। अब हम थोड़ा सा तृतीय सूत्र पे चलते हैं, दूसरे पे, तृतीय नहीं माना जाएगा, दूसरा सूत्र है अपेत अपोर मुक्त पतित अपत्रस्तई अल्पसाह। अपेत अपूर्ण मुक्त पतित अपत्रस्त अल्पशाह, ये शब्द हैं इसमें। अपेत अपूर्ण मुक्त पतित अपत्रस्त और अल्पशाह। अल्पशाह शब्द इसलिए इसमें प्रयोग किया गया है, अल्पशाह का तात्पर्य लगाया कुछ पंचम्यांत यानी कि सभी पंचमी युक्त शब्द से इन शब्दों सहित पंचमी तत्पुरुष समास नहीं होता। अल्पशाह से तात्पर्य है यहाँ कुछ पंचम्यांत पंचमी पंचम्यांत जो शब्द हैं उनका अपेत अपूर्ण मुक्त पतित अपत्रस्त इन शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है, सभी का नहीं। जैसे अपेत है, सुखापेतहा, अर्थात सुख से बाहर या सुख से दूर गया हुआ, अपेत का मतलब। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगा दीजिए, सुखाद अपेतः, ये हो जाएगा। ऐसे ही अपूर्ण, ऐसे ही मुक्त, ऐसे ही पतित, जो भी इनके साथ शब्द प्रयोग किए जाएंगे। चक्र मुक्तः प्रयोग किया जाएगा, चक्राद मुक्तः, पतितः। अब यहां जो पतित शब्द है गिरने से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यदि अल्पशा प्रयोग नहीं करते तो जैसे आता है अश्वाद पतितः, अश्वाद पतितः, यहां पर भी पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता, तो अश्वपतता हो जाता, जो कि गलत हो जाता, इसलिए यहां अल्पशा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका उदाहरण एक दे रखा है, स्वर्ग पतितः यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्गाद पतितः। अपत्रस्त, अपत्रस्त तात्पर्य क्या है, अपत्रस्त तात्पर्य डरा हुआ, तो तरंगात्रस्त, ठीक है। तो तरंगेभ्यः, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हुआ, तरंग एक नहीं होती है, गलत हो गया उसमें, तरंगेभ्यः अपत्रस्तः, इस तरह से इसमें सीधे सीधे प्रयोग कर लिए जाएंगे। तो जब भी अपेत अपूर मुक्त पतित अपत्रस्त ये शब्द आ जाएं तो आपको समझ लेना है, उसके अल्पशा के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि अल्पशा के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी कहानी।
तो इनके साथ में हमेशा पंचमी तत्पुरुष समास ही होता है, सीधा विग्रह करके पंचमी विभक्ति लगा करके विग्रह कर दीजिए, ठीक है। चल तीसरा एक और सूत्र है स्तुकांतिक, दूरार्थ कृच्छ्राणी तत्तेन, ठीक है। स्तोक, स्तोक का मतलब जानते हैं अल्प या थोड़ा, अंतिक का मतलब होता है पास या समीप, दूरार्थ का मतलब दूर, दूर का मतलब दूरी होता है। अब अर्थ शब्द इसलिए लगा दिया है कि अल्पार्थ जितने भी शब्द हैं, अल्प से संबंधित और नजदीक से संबंधित जितने भी शब्द हैं, दूर से संबंधित जितने भी शब्द हैं, अगर जिनका दूर अर्थ निकलता हो ऐसे शब्द, जिनका पास अर्थ निकलता हो ऐसे शब्द, जिनका अल्प अर्थ निकलता हो ऐसे शब्द, सभी शब्दों के साथ कत प्रत्यांत शब्दों का, जब कत प्रत्यांत शब्द हो और इनके अर्थवाची शब्द हो, दोनों मिले हुए हों, तो पंचमी तत्पुरुष समास होता है, इसका ये तात्पर्य है। और रही बात इसकी, तो कृच्छ स्वयं शब्द हो कत प्रत्यांत शब्दों के साथ में, तब जाकर के पंचमी तत्पुरुष समास होता है, ये इसका तात्पर्य है। जैसे स्तुकान मुक्ता, ठीक है, तो मुक्त जो है वो कत प्रत्यांत शब्द है और स्तोक ये शब्द है ही है स्वयं में, अल्पाद मुक्त है ये भी कह सकते हैं हम, अब एक यहां पर आपको समस्या आ रही होगी कि इसमें अब इसका जो विग्रह होगा स्तुकाद मुक्त स्तुकान मुक्त, ये दोनों विग्रह भी हैं और अपने आप में समास भी हैं, ठीक है, इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, जब भी ये शब्द आ जाएंगे किसी में भी विभक्ति का लोप नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसके लिए एक सूत्र है पंचम्या स्तोकादिभ्य, इस सूत्र के द्वारा, अर्थात पंचमी विभक्ति का लोप ना होगा स्तोक आदि शब्द यदि आएंगे तो, यह है इसका तात्पर्य। दूराद इसमें लगा लो, दूर का शब्द दूराद आगतः, ठीक है, अंतिकाद आगतः, कहां से आया, पास से आया, अंतिकाद आगतः, कहां से आया, दूर से आया, अंतिकाद दूराद आगतः, मतलब ये शब्द भी रहेंगे या बाकी भी रहेंगे और समास भी रहेंगे, दोनों रहेंगे इस सूत्र के द्वारा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे ये प्रयोग है। मैं इसमें से एक आपको, इसमें से इसको मैं आपको बताऊंगा, सिद्ध करके समझाऊंगा कैसे बनाइए, ठीक है। चलिए एक सूत्र और है इसमें, इसको मैं हटा दूं, चलिए सूत्र एक और लिख दूं, इसमें जो सूत्र था जिससे पंचम्या स्तोकादिभ्य इसके द्वारा पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है, केवल इन्हीं शब्दों के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है, अन्य के साथ में नहीं होगा ऐसा। पांचवा एक सूत्र और है शत सहस्त्रो परेणेति वक्तव्यम, ये सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है, ठीक है, ये क्या है, ये वार्तिक है, यानी कि शत और सहस्त्र शब्दों का पर शब्द होने पर शब्द साथ में होने पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है, जैसे, और ये पर जो है इसमें
मुख्य बात है इसमें जो पर शब्द है वो सबसे पहले लग जाएगा, अर्थात इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी इसलिए पहले लगेगा। ठीक है, परशतः या परसहस्त्रः, ये दोनों शब्द बन जाएंगे। और इसमें जब प्रयोग होगा, वाक्य विग्रह होगा, तो शत पहले आ जाएगा, शतात परे, सहस्रात परे, इस तरह से हो जाएगा। विग्रह में उल्टा होगा, मतलब जो पर है वो बाद में प्रयोग होगा और शत और सहस्त्र वो पहले प्रयोग होगा। इसलिए उपसर्जन संज्ञा को याद रखना है, उपसर्जनम जो संज्ञा करते हैं हम, उपसर्जन संज्ञा वो इसमें पर की होगी। तो ये मैंने कुछ सूत्र बताए थे आपको और सूत्रों से मैंने लगभग उदाहरण आपको दे भी दिए हैं सब, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई उदाहरण बचा है, कोई रह गया हो तो बताना। सभी उदाहरण देने का प्रयास किया है, एक मैं आपको सिद्धि दे देता हूं। ठीक, चलिए, एक सूत्र है उसको समझाने के लिए, सूत्र क्या समझाना, सूत्र उसी में आ जाएगा, शब्द में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक या दो सूत्र ही बदले जाएंगे, बाकी तो सब हम पहले से जानते ही हैं। और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये लाभ जरूर देगा कहीं ना कहीं। तो हम शब्द ले लेते हैं, हमारे पास जो शब्द है वो शब्द है स्तुकान मुक्तः, है ना, या स्तुकाद मुक्तः, ये शब्द है। ये दो शब्द हैं, दोनों विकल्प से होते हैं, मतलब इसको भी यही प्रयोग कर सकते हैं आप और इसको भी प्रयोग कर सकते हैं दोनों। इसका जो लौकिक विग्रह होगा वो पंचमी विभक्ति में सीधे प्रयोग होगा, स्तुकाद मुक्तः ये बनेगा। ठीक है, अब अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह में हम जानते हैं ये पंचमी विभक्ति है स्तुकाद में, तो स्तोक पंचमी में कौन सा लगता है, प्रत्यय, सुवौजस अमुष्टक टाभ्यामेश ङेभ्यामेश ङसि, तो स्तोक ङसि मुक्त सुम, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो पहला सूत्र लगेगा इसमें, इसमें वही सूत्र लगेगा जो हमने इसमें जाना था, स्तुकान्तिक दूरार्थ कृषाणी कक्तेन, इस सूत्र के द्वारा इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे ही समास होगा, दूसरा सूत्र हम जानते ही हैं कृतद्धित, समासाश वाला सूत्र लगेगा जिससे इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातपदिक संज्ञा होते ही सुपो धातु प्रातपद के ओर से इसके जो सुप हैं उनका लुप हो जाएगा, अर्थात लुप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, स्तोक और मुक्त। लेकिन हमको पता है, क्योंकि एक सूत्र हमने पढ़ा था और वो सूत्र था पंचम्या स्तोकादिभ्य, ये सूत्र था, ये सूत्र कहता है स्तोक आदि शब्द जब भी प्रयोग होंगे पंचमी तत्पुरुष समास में तो उनमें विभक्ति का लोप नहीं होगा। अगर यहां हम इनको लोप कर देंगे तो विभक्ति ही तो है, ये यही जाकर विभक्ति बनती है, तो इसलिए इसका लोप नहीं होगा, ये अपवाद है, इसका ये सूत्र अपवाद है, इससे इसका तो लोप हो गया लेकिन पंचमी विभक्ति वाले का लोप नहीं हुआ। सुप का पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है जो प्रत्यय, उसका लोप नहीं होगा। किस सूत्र से, पंचम्या स्तुकादिभ्या, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया यहां तक। अब अगला जो सूत्र आएगा वो इसको अलग काम करेगा, वो सूत्र आता है टा नास नसि टा नसि गासा मिनात्स्या,
ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें नसी है, नसी के स्थान पर आत हो जाता है इस सूत्र के द्वारा, जो नस है उसके स्थान पर आत हो जाता है। टांग नसी घास सा मिनास्या, ये सूत्र है ये। तो नस है उसके स्थान पर आत आदेश हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्तोक आत और मुक्त। जैसे ही ये बनेगा यहां नियम लग जाएगा, हमको याद आ जाना चाहिए अकहा सवर्णे दीर्घा, जैसे ही वो लगेगा तो प्रयोग हो जाएगा स्तुकात मुक्त। ठीक, इसमें बहुत सारे सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रथमान दृष्टम समास उपसर्जन भी लगा सकते हैं, उपसर्जन पूर्व भी लगा सकते हैं, ये हमको पता है, ये सब आप याद कर लो, उनको कंठस्थ कर लो, वो सब में लगेंगे। तो हमको पता है कि स्तोक की ही उपसर्ग संज्ञा होती है और उसको पहले रखा जाता है। अब उसके बाद में यहां पर जो प्रयोग होता है, एक अगला सूत्र है झलाम झशोवंते, ठीक है ना, इस सूत्र के द्वारा झलम झशोवंते, गलत कर गया हूं, झशोवंते है, ठीक है, झलों को जश हो जाता है। तो हमारे पास ये झल है तो इस तो काद मुक्त ये बन गया। अब इसके बारे में पूरी व्यवस्था मैंने संधि प्रकरण में समझा रखी है, कैसे क्या होता है जाकर के वहां देख सकते हैं। फिर इसमें एक सूत्र लगता है यरो अनुनासिके नासिको वा अनुनासिके, यरोनासिके नासिको वा, ये सूत्र लगता है यसे यरों को अनुनासिक हो जाता है, लेकिन कैसे, वा विकल्प से, आप उसको कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, इसलिए ये रूप तो रहेगा ही रहेगा और आप चाहें तो उसको अनुनासिक कर लीजिए दा को, तो इस तो कान, ठीक है, मुक्त ये बन गया। अब यहां से हम आगे की प्रक्रिया लगा सकते हैं, सूत्र लगा देंगे एक देश विकृतमन्वत, उससे इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, प्राप्तिक संज्ञा हो जाएगी, और प्राप्तिक संज्ञा होते ही हमारा सुऔजस आ जाएगा, सुऔजस अमुष्टाभ्यामिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक साथ ही मान के चलिए आप, मैं एक की बता रहा हूं, इस तो कान मुक्त, एक जैसी प्रक्रिया रहेगी दोनों में, इसमें भी लगा सकते हैं इसमें भी लगा सकते हैं, मुक्त सु, ठीक है, इससे सुऔजस से, जैसे ही आ जाएगी उपदेशे अजननाशिका इत, उपदेशे अजननाशिका इत से इत होगा, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा, अदर्शन लोपा से दिखाई न देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस्तुकान या इस्तुकाद दोनों लगा लीजिए, मुक्त स, जैसे ही आ जाएगा सूत्र आ जाएगा चौथा खरवसानयो विसर्जनीयः, जैसे उस अभी नहीं आएगा, गाया ससजुसो रू, सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, ससजुसो रू, तो यहां पर सा के स्थान पर रू आदेश होगा और रू की फिर वही उपदेश अजननास का इत से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा से लोप हो जाएगा, अदर्शन लोपा से उसका अदर्शन हो जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास मात्र रा, तो स्तोक, हाँ आ रहा है, स्तुकान मुक्त र, जैसे ही ये लगेगा तो बन जाएगा अगला सूत्र खरवसानयो विसर्जनीया, उसे रा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, तो रा के स्थान पर क्या बन जाता है, विसर्ग, तो पूरा ये ज्यों की त्यों बन जाएगा, यहां पे लिख देता हूं उसको मैं, स्तुकान मुक्ता विसर्ग लगते ही, या इस्तो काद मुक्तः, यही हमको दोनों सिद्ध करने थे, इस्तोकान मुक्तः
स्तुकान मुक्ता और स्तुकाद मुक्ता, ये दोनों सिद्ध हो गए। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए, एक बार देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।